सबसे आत्मीयता का व्यवहार करता है, ऐसी भाव
प्रेम करता है, सबसे सबके साथ आत्मीयता का व्यवहार करता है, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है और उसे जो कोई उससे द्वेष भी करे उससे भी वह प्रेम करता है। भक्ति की विशेषता, भक्ति प्रेम रूप है। प्रेम ऐसा तत्व है जो सबके हृदय में है। प्रेम ऐसी भावनाएं जिसे सब समझते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी प्रेम के स्पर्श को समझते हैं, महसूस करते हैं। भक्ति के लिए विशेष पात्रता की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति बीमार कर सकता है, ज्ञानी कर सकता है, अज्ञानी कर सकता है, भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति पर सबका समान अधिकार है क्योंकि यह प्रेम का विषय है। प्यार की भाषा सार्वभौम है, एक बच्चा भी प्यार समझता है। किसी से मिलने जाना हो तो हम उससे समय लेते हैं और फिर एक समय लेते हैं। एक बच्चा माँ के पास जाने के लिए समय नहीं लेता, तैयारी नहीं करता और माँ भी जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार लेती है, हृदय से लगा लेती है। भगवान और भक्त का रिश्ता भी ऐसा ही है। भगवान भी अपनी शरण में आने वाले भक्त को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। भक्ति में कोई प्रभु को द्वेष भाव से याद करता है, कोई काम भाव से याद करता है, कोई डर से याद करता है, परम गति तो उन्हें भी मिलती है पर ऐसे भक्त किसी के आदर्श नहीं होते और उनका जीवन डर और भय में बीत जाता है और उन्हें उस सुख की अनुभूति, उस परम सुख की अनुभूति नहीं होती जो प्रेम से भक्ति करने वालों को होती है। प्रेम से भक्ति करने वालों को भगवान उस सुख की अनुभूति कराते हैं जो गोपियों को मिला, जो माँ यशोदा को मिला, जो अर्जुन को मिला, गायों को मिला। काश हमारी भी ऐसी निष्काम भक्ति हो जाए। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के अर्पण कर देते हैं तो हमारे स्वार्थ अहंकार राग द्वेष काम क्रोध मोह आदि वासनाओं से मन शुद्ध हो जाता है। इससे मन में शांति आती है, सूक्ष्मता आती है और एकाग्रता आती है। भक्ति में हम भगवान को जैसा मानेंगे वह वैसे बन जाते हैं। भक्ति में हम वस्तु को अपनी भावना के अनुसार देखते हैं। भक्ति में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी चौपाई की है रामायण की, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। मतलब आपकी जैसी भावना है आप जिस उसमें उनको याद करेंगे आपको वो वैसे ही नजर आएंगे। भक्ति में प्रभु के वरण की स्वतंत्रता है, हम जिस रूप में चाहे देख सकते हैं, भज सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। भक्ति की अभिव्यक्ति, भक्ति एक ही होती है किंतु भक्तों की रुचि और भावना अलग अलग होती है। भक्ति एक किंतु भक्तों की रुचि और भावना अलग अलग होती है। कोई पूजा करता है, कोई भजन करता है, कोई कथा सुनता है, कोई प्रभु का श्रृंगार करता है, किसी को सेवा करना अच्छा लगता है, कोई अपने सारे कर्म प्रभु को अर्पण करने में आनंद महसूस करता है। जिसको जिसमें आनंद आता है उसके लिए वही उसकी पूजा है, वही उसकी भक्ति है। जैसे गोपियों को दूध पकाना, जमाना, मक्खन बनाना, उठना बैठना, सोना जागना हर तरह उनका भगवान के लिए होता था। भक्तों की भावना भी अलग अलग होती है। कोई साख्य भाव से करता है, कोई वात्सल्य भाव से प्रेम करता है, कोई मित्र भाव से करता है और कोई दास्य भाव से करता है। ज्यादातर भक्त दास भाव से ही सेवा करते हैं। दास भाव में अहंकार का त्याग हो जाता है। भगवान के प्रति भाव कैसे आए? जब हम भगवान को मूर्ति मानकर पूजा करेंगे, सेवा करेंगे तो प्रेम कैसे होगा? जब हम मूर्ति में जीते जाते प्रभु को देखते हैं तभी प्रेम होता है। अगर हम जीवित मानेंगे तो मूर्ति भी हमारे साथ बात करेगी, हंसेगी, बोलेगी, भोग लगाएगी। इसके लिए हमें उनके साथ संबंध बनाना होता है, तब उन्हें हम जो बोलेंगे वह बन जाएंगे। मीरा बाई ने संबंध बनाया था। गीता में भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसके लिए वही बन जाता हूँ, किंतु मैं भाव का भूखता हूँ। भगवान के प्रति श्रद्धा और भाव कैसे आए? इसका सरल उपाय है, जिसका जिसमें मन लगे वह उसी तरह प्रभु को याद करे। आपको किसी की मदद करना अच्छा लगे तो वह भी आपकी पूजा है। जब हमें दैनिक जीवन में चाय कॉफी से प्रेम हो जाता है, आदत हो जाती है,
तो इतने मधुर प्रभु से प्रेम क्यों नहीं होगा, जिनकी कृपा से हमें आनंद मिल रहा है। साधन में दो बातें जरूरी हैं, एक नेम और दूसरा प्रेम। नेम तो हम जबरदस्ती कर सकते हैं पर प्रेम नहीं कर सकते। यदि हम प्रभु को याद करने का नियम बना लें तो स्वाभाविक रूप से एक दिन हमें उसे प्रेम हो जाएगा। भक्ति के साधन। रामायण में श्री राम ने लक्ष्मी को लब्धा भक्ति बताई थी। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में प्रहलाद जी ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है। श्रवणम, भजनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य भाव, साख्य भाव, आत्मनिवेदन। इस प्रकार शुरुआत सत्संग से होती है। भक्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है सत्संग। सत्संग का अर्थ है संत पुरुषों का, ज्ञानी पुरुषों का संग और साथ। नारद जी को ऋषियों का संग मिला, वाल्मीकि जी, गुरु जी, प्रहलाद जी को नारद जी का संग मिला। आत्मनिवेदन का अर्थ, आत्मनिवेदन का अर्थ है ज्ञान की दृष्टि से प्रभु के साथ एकत्व अनुभव करना, अपने जीवन का त्याग कर, अपने जीवन को त्याग कर अपने आप को ब्रह्म समझना। प्रसन्न दूसरा अर्थ है आत्मनिवेदन का, अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं रखना, सब कुछ प्रभु की इच्छा समझकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना, लाभ में हानि में संतुष्ट रहना, अपना कोई आग्रह ना रखना। सत्संग से प्रभु का वास्तविक स्वरूप पता चलता है, उनका स्वभाव पता चलता है, उनकी महिमा पता चलती है, उससे चित्त की शुद्धि होती है, शांति आती है और प्रभु फिर प्रभु से प्रेम होता है। सत्संग में बिघ्न, सबसे बड़े बिघ्न तो हमारे अंदर अहंकार, मैं, मेरा, ममता, आसक्ति हैं। इनसे बचने के लिए व्यक्ति को सदैव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सत्संग करते रहना चाहिए और स्वयं को प्रभु के प्रति पूर्णतया समर्पित कर देना चाहिए। सत्संग करने से हमारा लक्ष्य हमारी दृष्टि से ओझल नहीं होता और हमारा ध्यान भी नहीं भटकता और हम संसार में नहीं फंसते। इसीलिए चारों पुरुषार्थों से भक्ति को श्रेष्ठ माना है। यह भक्ति भावमयी, रसमयी और प्रेममयी होती है। जब भक्त श्रेष्ठ भक्ति करता है तब प्रभु स्वयं आकर उसे अपना अनुभव कराते हैं, तब भक्त भी भगवत रूप हो जाता है। ग्रंथ पढ़ने से प्रभु के बारे में पता चलता है, प्रभु क्या है यह तो प्रभु ही बता सकते हैं। फिर हम अखंड अनंत प्रभु को खंडित होने वाली, नश्वर होने वाली, अंत होने वाली जगत में ढूंढते हैं और अखंड सुख चाहते हैं। अखंड सुख को पाने के लिए हमें अखंड को भी खोजना है। इसीलिए हमारा लक्ष्य सिर्फ किसी भी तरह उस प्रभु को पाना है जिसे शास्त्रों में रसो के साथ सच्चित आनंद और आनंद घन कहते हैं। भगवान में भागवत में नंद के घर प्रभु के जन्म पर यह नहीं कहा कि भगवान आए हैं, भगवान का जन्म हुआ है, यही कहा कि नंद के घर आनंद हुआ है। आनंद जहाँ आनंद है, जहाँ रस है, जहाँ प्रेम है, वहाँ प्रभु है।